इस प्रोग्राम दे प्रस्तुत हैं एस बी ई वीज़ा पंजाब गौरमेंट तो अपरूवड कनेडा यूके आस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लाने तुरंत संपर्क करो ऑफिस फरीदकोट और मुक्तसर मोबाइल नंबर 97808-80088 नमस्कार जी, मैं हाँ थोड़ा अपना बलविंदर हाली है ते तुसी देख रहे हो फरीदकोट डेयरी। अज 27 अगस्त दिन वीरवार शुरू करते हैं अज दी खबरां दा बुलेटिन। फरीदकोट जिले के पिंड ढुड्डी निवासी लवप्रीत सिंह की मनीला विखे गोलियां मार के हत्या कर दिती गई है। फरीदकोट जिले नाल संबंधित यह दूसरी घटना है। इस तों पहलां पिछले हफ्ते फिड्डे खुर दे इक नौजवान की भी इसे तरह हत्या कर दिती गई सी। पंजाब अंदर कोई बहुते रोज़गार के मौके ना मिलन दे चलते पंजाब दे वड्डी गिणती नौजवान इन्नी दिनी विदेशों का रुख कर रहे हैं। कई बार विदेशों में गए नौजवानों नाल अजिहे हादसे वापर जाते हैं जिस तों बाद उन्हां दे मापिआं पास पछतावे तो सवाए पिछे कुछ भी नहीं रह जाता। अजिहा ही मामला सामने आया है फरीदकोट जिले के पिंड ढुड्डी वासी जगरूप सिंह नाल। जगरूप सिंह के नौजवान लड़के लवप्रीत सिंह की बीते दिनी मनीला विच कुछ गैंगस्टरां ने गोलियां मार के हत्या कर दिती। जब वह अपने काम तो वापस परत रहा सी मनीला विच, फरीदकोट जिले के 2 हफ्तों अंदर यह दूजे नौजवान की हत्या हुई है। इस तो पहला पिंड फिड्डे खुरद एक नौजवान का भी गोली मार के मनीला विच ही कतल किया गया सी। हाल ही विच वापरी कतल की वारदात दौरान नौजवान का बचाव करन आए पुलिस मुलाजम का भी हमलावर ने गोली मार के कतल कर दिता। लवप्रीत सिंह अपने चंगेरे भविख की आस में लैके 3 साल पहला मनीला गया सी। उत्थे उसने फाइनांस का काम किया जो काफ़ी ठीक चल रहा सी, पर बीते दिनी जब अपने काम तो वापस पर रहा सी परत रहा सी तां अणपछाते हमलावर ने पिछों आके उसके गोलियां मारियां जिस नाल उसकी मौत हो गई। यही नहीं, उसके बचाव विच आए मनीला पुलिस के एक पुलिस कर्मचारी भी हमलावर ने गोलियां मार के मार दिता। पीड़ित मापे जिथे हुण अपने लाडले की आखिरी मूँह देखने को तरस रहे हैं उत्थे पंजाब ते भारत सरकार तो उस दी लाश नूं पंजाब मंगाउण दी भी मंग कर रहे हैं। लोगों वालों सरकार तो मंग की जा रही है कि नौजवान सूबे अंदर रुजगार मुहैया कराया जाए ता कि मापियां दे पुत्तां नूं रोजी रोटी लई बाहर ना जाना पवे। उत्थे जी तड़के सुबह का टाइम है, कोई 1:30 का टाइम जी, मैं काम ते जा रहा सीगा जी, आपके गाहकां तो पैसे पुसे दे के वापस आ रहा सीगा जी, मोटरसाइकिल स्टार्ट करन लगा सीगा जी, मुड़ के मगरों आई जी उन्होंने गल में तो फट के गोलियां एक कन्न फटली तो मारी है जी, एक इतने कंडी से मारती जी, उत्थे बच्चे की साढ़े की मौत हो गई। किन्ने साल हो गए गए? 3 साल हो गए सी पूरे जी। कौन लोग थी ते मुंडा अपना की काम करता? मुंडा अपना जी फैंस का काम करता सी, उधरले लोग सी जी वो ही सी अणपछाते लोग थी। सजा होनी चाहिए इन्होंने, इन्होंने मेरा पुत मारता, कल्ला मेरा पुत सी। ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਧਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਗਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਲਾ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ 22-22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ।
पिंड टहना का एक रिक्शा चालक पानी लैन आया नहर में रुड़ गया, जिसनों सबका सरपंच गुरतेज सिंह ने अपने पग का लड़ सट के बचाया। फरीदकोट दियां जौड़ियां नहरां ते अज सुबह एक पानी लैन आया व्यक्ति अपने बैटरी वाले रिक्शे समेत नहर में डिग पिया, जिसनों मौके तो लंघ रहे पिंड ढूडी के सबका सरपंच गुरतेज सिंह ने अपनी पग पानी में सुट के बाहर कढ़िया। होया इस तरह कि पिंड टहना का वसनीक कत्तर सिंह अपने बैटरी वाले रिक्शे से तलवंडी रोड वाली नहरां वाले पुल से नलके तो पानी भरन आया सी, पर रिक्शे के ब्रेक ना लगन कारण वह रिक्शे समेत नहर में रुड़ गया। इस समय मौके पर मौजूद गुरतेज सिंह ने उसनू अपनी पग उतार के पग का एक हिस्सा पानी में सुट दिता, जो कि कत्तर सिंह ने फड़िया तो उसनू फड़ के बाहर आ गया। इस नाल कत्तर सिंह की जान बच गई। बाहर आने पर गुरतेज सिंह ने उसकी मदद करद उसनू 1100 रुपए भी दिते। फरीदकोट के हीरे तहत असी अज लेके आए हाँ सीर सोसायटी के सिपाही संदीप की दास्तान कि किस तरह बूटियां नू लाउण तो लैके जवान होण तक वो पानी नाल पालदा है अते अपने साथियों दे नाल मिलके फरीदकोट नू हरिया भरिया करन विच योगदान पा रहा है। इस वेले असी 100 दे लगभग मैंबर हाँ ते शहर विच वख-वख स्थानां ते पौधे लगाउण दे नाल नाल पौद्यां नूं पालण दी सेवा भी कर रहे हाँ। साडे जिहड़े मुलाजम साथी काफ़ी हद तक साडे नाल जुड़े हुए आ जिहड़े कि पूरी तरह समर्पित है। दोहां लत्तां तों चलण फिरन तों असमर्थ अपने स्पैशल 3 पहिया वाहन ते बैठ के पाणी लिजा रिहा इह शख्स कोई आम नहीं सगों फरीदकोट दा हीरा है संदीप। फरीदकोट की सीर संस्था का यह सिपाही अपनी शरीरक कमी नूं भुल शहर नूं हरिया भरिया बनाउण विच लगा होया है ते हर रोज़ सैकड़े नवे लगाए अते पुराने पौद्यां नूं पानी देना इसका रोज़ का कम है। इन्ना ही नहीं हथीं लगाए पौद्यां नूं पानी देण दे नाल नाल उन्हां दी देखभाल कर उन्हां नूं रुख बनाउण तक इसका पूरा योगदान रहिंदा है। इस दे नाल नाल वो अपनी समाजिक जिम्मेवारी भी तनदेही निभा रहा है ते अपने स्कूल दे बच्चों पढ़ाउण दे नाल नाल उन्हां नूं चंगे नागरिक बनन दे गुण भी दस रहा है। इस संबंधी संदीप अरोड़ा ने फरीदकोट डेयरी नूं दस्या कि वह करीब 10 सालों तो सीर संस्था दे नाल मिल के शहर अंदर पौद्यां नूं लगाउण अते उन्हां दी सांभ संभाल का काम करदा आ रहा है। उन्हें कहा कि उसनू कदे कोई मुश्किल नहीं आई कि वह अपने वाहन ते बाल्टियां रख के पौद्यां नू पानी दिंदा है अते उसका सुपना है कि फरीदकोट साफ सुथरा अते हरियावल भरिया होवे ते पंजाब विच्चों नंबर एक शहर बने। उसने दस्या कि उसकी सोसायटी ने हुण तक हज़ारां ही गिनती विच शहर अंदर पंजाब दे रवायती पौधे लगाए अते उन्हां दी देखभाल कीती जा रही है। गलबात करदिया शहर निवासियों ने भी संदीप की तारीफ की अते सीर संस्था बारे भी दस्या। शहर निवासियों संदीप अरोड़ा नूं वो बड़े चिरां तों पौद्या की सांभ संभाल ते देखभाल करदिया देखदे आ रहे हैं। उन्हां कहा कि वह भी इस तों प्रभावित हो के सीर संस्था नाल जुड़े ते हुण बीते 5 वर्यां तों वह भी लगातार इस सेवा दे नाल नाल उसनूं सहयोग दे रहे हैं। सर 2005 विच कुछ अध्यापक साथियों ने रल के सीर नाँ की संस्था बनाई सी। रेस्ट हाउस में असी बैठे गल्लां करते रहते होंगे सीगे, जिवें शाम नूं नौजवान गल्लां करते हैं तो उत्थे बैठे बैठे एक विचार आया सी कि उन्हां भी इस बैठन का समा जो किसी पब्लिक काज वास्ते लगाया जाए तो उत्थे किसी सरकारी संस्था द्वारा पौधे लगाए गए सन, परंतु वो पानी की घाट करके सुक रहे सीगे तां उत्थों असी पौद्यां नूं पानी का पाण दा काम शुरू कीता ते अध्यापक जुड़दे गए, उस तों बाद शहर च दूसरे लोग भी जुड़दे गए ते सीर संस्था दा परिवार वड्डा हुंदा गया। इस वेले असी 100 दे लगभग मैंबर हाँ ते शहर विच वख-वख स्थानां ते पौधे लगाउण दे नाल नाल पौद्यां नूं पालण दी सेवा भी कर रहे हाँ। शहर विच काफ़ी हज़ारां दी गिनती विच असी पौद्यां नूं डिवेलप कर दिता, जिन्हां विच नहरां मुख हन, रेस्ट हाउस मुख है, कचहरियां, सर्कुलर रोड, ओल्ड कैंट रोड
इस तो बिना गलियां मल्लियां विच भी रुखां नूं लाण दे नाल नाल पालिया जा रहा है। जल्दी तो जल्दी फरीदकोट नूं ग्रीन सिटी का रुतबा दवाउण लई कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है शहर वासियां जिला प्रशासन के सहयोग नाल असीं जल्दी कामयाब होवांगे। जो रवायती रुख है असली पंजाब दे रुख यही है। इन्हां विच पंछियां दा बसेरा बहुत हुंदा, वातावरण पक्षों भी यह बहुत शुद्ध है। पिछले साल असी 2019 एक प्रोजेक्ट चलाया सी पिपलां बोर्डां दी धरती फरीदकोट दी धरती, जिस तहत 365 पिपल बोर्ड लगाए हैं। तो उन्हां 365 पिपलां बोर्डां विचों 90% दे लगभग पिपल बोर्ड कामयाबी नाल चल रहे हैं। जंड वैसे तो इन्हां विच पंछियां दे आलने बहुत वधिया बनते हैं, तो इनू धार्मिक तौर पर भी पूजा जाता, परंतु यह अलोप हुंदा जा रहा। इस करके असी इस हफ्ते दौरान मास्टर गुरमेल सिंह जी के जन्मदिन को समर्पित 10 जंड स्पैशल इस हफ्ते में लगाए हैं। वैसे सीर संस्था जी 2005 तो वातावरण से संबंधी काम कर रही है। साढ़े आले दुआले साफ सुथरा हरिया भरिया रखने वास्ते जो उदों तो सीर वालों प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जिदे विच रुख लाउणे, उन्हां दी सांभ संभाल करनी, पालना ते नाल नाल साडे चुगरदे दी सफाई रखनी, ते होर भी कई समाज सेवी जिहड़ियां गतिविधियां हैगियां उन्हां दे विच सीर वल्लों बड़ी वड्डी पद्धर ते जिहड़ी आ शमूलीयत करके उपराले कीते जांदे आ। हुण तक हज़ारां ही बूटे ला के जिवें नहरां है जां होर जनतक थावां इहो जिहियां हैगियां, किसी स्कूलां दे विच आ, किसी पार्कां दे विच आ, जां खाली जगह जिथे कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं किसी दी जनतक थावां, उत्थे जिहड़ा बूटे लाउण दा ते पालण दा उपराला सीर संस्था वल्लों कीता जा रहा, जिहड़ा कि साडे काफ़ी जिहड़े मुलाजम साथी हैगे आ, चाहे वह सिक्ख्या विभाग दे आ जां किसी होर भी अदारे च सिविल प्रशासन च, वह साडे जिहड़े मुलाजम साथी काफ़ी हद तक साडे नाल जुड़े हुए आ, जिहड़े कि पूरी तरह समर्पित है। हर छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले दिन की कई बार लोग अजे उठे ही नहीं होंदे गे, कोई चाहवा पीते फिरते होंगे, बिस्तरे च उठे होंगे, तो साढ़े जी जुझारू साथी आ उदों यह बहुत वड्डे प्रोजेक्ट नूं जिहड़ा अंजाम दे चुके होंगे। हुण फरीदकोट जिले में कुछ दर्ज होए परचियां नाल संबंधित क्राइम दीआं खबरां। पिंड खारा विच एक व्यक्ति ने अपनी ही धी की हत्या करके उसकी लाश नूं खुरद बुरद कर दिता। थाना सदर कोटपुरा की पुलिस ने पिता समेत कुछ होर अणपछाते व्यक्तियों से हत्या का केस दर्ज करके पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार थाना सदर के ASI रणजीत सिंह पुलिस पार्टी समेत पिंड खारा के बस स्टैंड से मौजूद सन, जदों उन्होंने सूचना मिली कि पिंड खारा निवासी जसविंदर सिंह ने कुछ लोगों मिल के अपनी ही धी अमनदीप कौर की हत्या कर दी है, उसकी लाश में खुरद बुरद भी कर दिता है। पुलिस ने जसविंदर सिंह समेत होर लोगों खिलाफ़ केस दर्ज करके मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पिंड चंदबाजा के सरपंच लखविंदर सिंह ने केस दर्ज करवाया है कि वह पिंड का मौजूदा सरपंच है, तो निजी काम लई पिंड मंडवाला गया होया सी। वक्त करीब 5 बजे शाम का होगा, मंडवाला तो सिवियां वाले कच्चे राह अपने मोटरसाइकिल राही आ रहा सी। जदों वह पिंड सिवियां कोल दी लंघ लगा तो देखा कि सिवियां का गेट खुल्या होया सी। उस नूं शक होया क्योंकि पहला भी किसी व्यक्ति ने शमशान घाट विचों मच्छी मोटर ते एंगलां चोरी कर लिया सन। जदों अंदर जाके सरपंच ने देखा तो शमशान घाट की मुरदे संस्कार करने वाली पट्टी दी एंगलां गैप सन। पुलिस ने उसका बयान दर्ज करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगर तुहाडे कोले भी कोई खबर है तो तुसीं उस नूं फरीदकोट डायरी का हिस्सा बनाना चाहते हो तो सानू अपने मोबाइल में वीडियो बना के भेजो। अज के प्रोग्राम में बस इन्ना ही, कल फिर मिलांगे नवीं ताज़ा खबरां लेके। तद तक सत श्री अकाल।